दिस वीडियो इज नॉट फॉर एवरी वन। वीडियो के शुरू में ही बता रही हूँ कि ये वीडियो है सिर्फ एडवांस्ड स्किन केयर यूजर्स के लिए, यानी अगर तो आप मेरे रूटीन्स ऑलरेडी फॉलो करते हैं, स्पेसिफिकली एंटी एजिंग रूटीन्स, यू आर कमिटेड, यू आर डिसिप्लिन, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक दिखाऊंगी जिसका सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है जब आप इसे कराते हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव है। बट दिस इज अ साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक जो आपके स्किन के नेचुरल कोलेजन को बूस्ट करने में हेल्प करती है, फैबुलस फॉर एंटी एजिंग, अमेजिंग अगर आपके चेहरे पे गड्ढे यानी पिटेड स्कार्स हैं। लेकिन फास्टेस्ट रिजल्ट्स, बेस्ट ऑप्शन इज ऑलवेज विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट इन क्लिनिक। बट क्योंकि ये है एक बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, मैं आपको आज दिखाऊंगी कि इसे आप घर पे कैसे कर सकते हैं इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे, इन अ सेफ वे, जिससे आपकी स्किन डैमेज ना हो। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। एंड टुडेस वीडियो इज डेडिकेटेड टू हाउ डू यू माइक्रोनीडल/डर्मा रोल योर फेस एट होम सेफली, करेक्टली फॉर द मैक्सिमम एंटी एजिंग बेनिफिट्स। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्किन केयर सिंप्लीफाइड इज द ओनली चैनल ऑन द इंटरनेट जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स, यानी कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, रिव्यूज कैसे लगाना है, सुबह क्या लगाना है, शाम को क्या लगाना है, लेयरिंग कैसे करनी है, और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक कैसे करना है, सारी की सारी डिटेल्स मैं यहाँ देती हूँ मेरे चैनल पे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो अहेड, हिट द सब्सक्राइब बटन। बात करना चाहते हैं इन अ क्लोज कम्युनिटी, यू कैन ज्वाइन मेंबरशिप्स, जो सब्सक्राइब के साइड में ज्वाइन बटन है मेरे चैनल पे, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप्स, विच आर फॉर 799 a month, 799 rupees और $10 a month, जिसमें होते हैं एक्सक्लूसिव मेंबर लाइव्स, रिक्वेस्ट फॉर रूटीन्स और बहुत सारे अलग अलग फीचर्स। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो जैसे मैंने कहा, टुडे आई एम गोना शो यू हाउ टू डर्मा रोल। सबसे पहले फ्यू थिंग्स, पहले आपका मेकअप, सनस्क्रीन कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके फेस पे। सो सबसे पहले अपने चेहरे को आप करेंगे डबल क्लेंस और अपने डर्मा रोलर को करेंगे आप डिसइंफेक्ट। अभी बिफोर आई डू माई डबल क्लेंजिंग, मैं आपको दिखाऊंगी डर्मा रोलर और इसे हम कैसे करते हैं डिसइंफेक्ट। मेरे पास जो डर्मा रोलर है वो है ये, Amazon पे मिलता है, इट्स वेरी वेरी चीप। मैं इसे 2-3 बार से ज्यादा यूज नहीं करती, बिकॉज 2-3 यूजेस के बाद इसके जो नीडल्स हैं फ्लैट हो जाते हैं, ना ही आपको इसका कोई खास असर मिलता है, एंड अगर नीडल्स फ्लैट हो गए और आपने ज्यादा जोर से दबा दिया तो आपका स्किन डैमेज हो जाएगा। रिमेंबर, ये टेक्निक आपको बहुत केयरफुली करनी है, एंड द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज अबाउट सैनिटाइजिंग योर डर्मा रोलर करेक्टली। सो इसे मैं पहले पानी से वॉश कर चुकी हूँ और उसके बाद इस तरह का कोई भी 90% भी आता है, यू विल गेट इट ऑन Amazon और wherever, इसे इस तरह से स्प्रे करके जो इसका केस आता है जिसमें ये डर्मा रोलर आता है, इसमें इस तरह रख दें सूखने के लिए। इसे थोड़ा सा टाइम दें, इसे हर यूज के पहले और बाद में डिसइंफेक्ट करें। मेरे पास एक डिसइंफेक्टेड डर्मा रोलर ऑलरेडी पड़ा है जो डिसइंफेक्टेड है और सूख गया है, सो दैट्स द वन दैट आई एम गोइंग टू यूज। बट डिसइंफेक्टिंग डर्मा रोलर इज की। आई हैव सीन ऑन टिकटॉक वीडियोज जहां बहुत अनसैनिटरी कंडीशंस में लोगों के डर्मा रोलर्स पड़े होते हैं, फिर उसी को उठा के वो अपने चेहरे पे रगड़ते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन द डैमेज, द एक्ने, द रैशेस, बहुत बुरा हो सकता है आपके साथ। सो इस चीज को करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू बी सुपर डिसिप्लिन्ड। सो इसे हम करेंगे डिसइंफेक्ट। आई एम गोना क्लीन माई फेस एंड देन वी विल गेट स्टार्टेड विद डर्मा रोलिंग। चेहरा हो गया है कंप्लीटली क्लेंज। मैंने यूज किए थे 2 प्रोडक्ट्स डबल क्लेंजिंग के लिए। ये हेमिश का क्लेंजिंग बाम, इफ यू बिन वॉचिंग माई वीडियोज यू सी ये थोड़ा सा रह गया है। सो दिस वॉज माई फर्स्ट क्लेंज। सेकेंड क्लेंज वॉज द बायोडर्मा ऑयल क्लेंजर। 6 महीने से मैं यही क्लेंजर यूज कर रही हूँ, माई क्लेंजर ऑल्सो नॉट चेंज। सो ये 2 प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए थे डबल क्लेंजिंग के लिए। नाउ बिफोर वी गेट स्टार्टेड, फर्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू लेट माई फेस बिकम नेचुरली ड्राई। इसे नेचुरली मैं सूखने दूंगी और 2 सेकंड का टाइम लेके मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किन केसेस में आप डर्मा रोलिंग नहीं करेंगे। What are the cases in which you will not derma roll your face? So, situation number 1, आपके चेहरे पे है active acne, दाने आ रहे हैं अभी, थोड़े सब एक आधा दाना भी है, no derma rolling. Number 2, आपकी skin sensitive है, आपको in general products बहुत hydrating लगाने पड़ते हैं, आप कुछ भी लगाते हैं आपकी skin flare up कर जाती है, derma rolling is not for you. आप
फिलहाल आपकी स्किन पे एक्सेसिव ड्राइनेस है, यानी इस तरह से आपकी ना स्किन पील हो रही है, मे बी बिकॉज ऑफ ट्रेटिनॉइन, मे बी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, स्किन पीलिंग हो रही है, नो डर्मा रोलिंग. इन जनरल आपका स्किन बैरियर ब्रोकन है, कुछ भी लगाते हैं जलन होती है, दैट्स अ ब्रोकन स्किन बैरियर, नो डर्मा रोलिंग. इन केसेस में आप डर्मा रोल नहीं करेंगे, ठीक है. सो डर्मा रोलर को कैसे सैनिटाइज करना है मैंने बता दिया है, एंड आई हैव आल्सो सेड हु कैन यूज इट एंड हु कैन नॉट. नाउ अदर देन दैट एवरीबॉडी कैन यूज डर्मा रोलिंग. डर्मा रोलिंग के अलग अलग फंक्शंस होते हैं और डर्मा रोलिंग काम कैसे करता है, एक्सप्लेन इट यू इन 30 seconds. जब आप इस तरह से डर्मा रोलर यूज करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड मेरा रेगुलर बेसिस इज 1 to 2 times अ वीक ओनली, बिकॉज इसे मैं अपने एक्टिव्स के साथ नहीं लगा सकती, ओके. तो आपके स्किन पे थोड़ा थोड़ा डैमेज क्रिएट होता है. उसके बाद हम लगाते हैं एक स्पेसिफिक पेप्टाइड जिससे हमारा स्किन रिपेयर करता है, एंड दिस डैमेज एंड रिपेयर प्रोसेस बूस्ट दिस प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, बिकॉज स्किन को रिपेयर करने के लिए योर बॉडी का जो कोलेजन है नीड्स टू बी ऑन एन ओवरड्राइव. दैट इज व्हाट वी डू विद माइक्रो नीडलिंग. इट इज अ वेरी वेरी सिंपल साइंटिफिक प्रोसेस. आप अपने स्किन को हल्की सी चोट दे रहे हैं, आपका स्किन उस चोट को रिपेयर कर रहा है. रिपेयर करते टाइम आप अपने चेहरे को, अपने स्किन को कुछ हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जिससे वो बेटर रिपेयर करेगा, और उस रिपेयर के प्रोसेस से आपके स्किन पे कोलाजन का प्रोडक्शन बढ़ता है. दैट इज हाउ वी यूज डर्मा रोलिंग फॉर एंटी एजिंग. बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, आई विल स्टिल रेकमेंड गो टू अ डॉक्टर, इट विल टेक 4 to 6 sessions, एंड आपका स्किन बैरियर वापस, आपका स्किन स्मूथ हो जाएगा. जिनका स्किन स्मूथ नहीं है, जिनको एंटी एजिंग के करना है लाइक मी, लेट्स गेट स्टार्टेड. My face is completely dry. So, फेस वॉश करने के बाद फेस पे डर्मा रोलिंग से पहले कोई टोनर नहीं, कोई सेरम नहीं, कोई रोज वाटर नहीं, कुछ नहीं. लेट योर फेस बी कंप्लीटली ड्राई. नाउ गेट होल्ड ऑफ योर डर्मा रोलर. नाउ अंडरस्टैंड, चेहरे पे करने से पहले आई वांट टू एक्सप्लेन यू द प्रोसेस. यू हैव टू गो लाइक दिस, दैट इज हॉरिजॉन्टली. यू हैव टू गो वर्टिकली एंड यू हैव टू गो डायगनली. लेकिन हर बार आपको डर्मा रोलर उठाना है स्किन से, ऐसे रगड़ के नीचे नहीं खींचना, ऐसी बुरी लाइन पड़ेगी और स्किन से इतना खून आएगा दैट यू विल नॉट इवन बी एबल टू नो कि आपने क्या किया है. सो वॉच वेरी केयरफुली, दिस इज हाउ यू डर्मा रोल हॉरिजॉन्टली, लिफ्ट एंड डाउन, अप, लिफ्ट, लिफ्ट, लिफ्ट. ये हुआ. अब हम करेंगे वर्टिकली. नाम है डर्मा रोल, तो इसको ये जो रोलर है इसे रोल करना है, लेकिन बहुत प्रेशर नहीं डालना, मतलब आपको अपने स्किन के अंदर गड्ढा नहीं बनाना, हल्के हाथों से. अब हम वर्टिकल यानी सीधी लाइंस में डर्मा रोल कर रहे हैं, और इसके बाद हम डायगनली भी डर्मा रोल करेंगे यानी टेढ़ी लाइंस में. ये 3 step का प्रोसेस इज द राइट वे टू डर्मा रोल. फ्लैट सरफेस जैसे फोरहेड, इस पे डर्मा रोल करना बहुत आसान है क्योंकि सरफेस फ्लैट है. चैलेंजिंग हो जाता है जब हमें कर्व्ड एरियाज पे डर्मा रोल करना होता है, जैसे चीक्स और इस एरिया पे. नाउ यू विल फॉलो द सेम प्रोसेस. चीक्स यानी कर्व्ड सरफेस के लिए भी हम सेम तरीका यूज करेंगे. फर्स्टली वी आर गोना डू वर्टिकल डर्मा रोलिंग, एंड हर स्टेप पे आपको अपना डर्मा रोलर उठाना है. उसके बाद हॉरिजॉन्टल, एंड देन आई एम डायरेक्टली गोइंग टू गो ऑन टू द चिन एरिया एंड डू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल यहाँ पर भी. और उसके बाद आई एम गोइंग टू गो ऑन टू द अदर चीक एरिया, जहाँ मैं पहले कर्व्ड सरफेस पे वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस करूँगी कुछ इस तरह से. उसके बाद डायगनल लाइंस के लिए हम थोड़ा सा रुकेंगे, एंड हम अपने साइड्स में जहाँ नोज के नीचे जो फोल्ड्स होते हैं वहाँ करेंगे डायगनल लाइंस. इससे हमारे निजोबियल फोल्ड्स के इशू को भी काफ़ी हेल्प मिलती है. एंड देन आई एम गोइंग टू स्लाइटली डर्मा रोल माई लिप्स. लिप्स पे भी एज के साथ रिंकल्स पड़ते हैं, इसे बहुत केयरफुली आपको करना है. एंड उसके बाद लिप्स के ऊपर वाले एरिया को भी हल्का डर्मा रोल करें. जहाँ जहाँ आपका डर्मा रोलर फिट नहीं हो रहा, वहाँ स्ट्रगल ना करके सिर्फ एक डायरेक्शन में ही डर्मा रोल करें. पहली बार जब आप डर्मा रोल करेंगे, आई विल हाईली रेकमेंड कि आप एक डायरेक्शन में
दो मूवमेंट्स करें, तीन मूवमेंट्स करें, ज्यादा डर्मा रोल मत करें फर्स्ट टाइम. धीरे धीरे यू कैन ग्रेजुअली बिल्ड द फ्रीक्वेंसी. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका स्किन स्ट्रांग कितना है, कितना टॉलरेट कर सकता है. फिर अपने डर्मा रोल को धो के एक बार अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करके उसे उसके केस में सूखने के लिए रख दें. दैट इज द करेक्ट वे ऑफ सैनिटाइजिंग योर डर्मा रोल बिफोर योर डर्मा रोलर बिफोर एवरी यूज एंड आफ्टर. इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप अपना स्किन केयर लगा सकते हैं, टोनर वोनर जो भी आपको लगाना है लगा सकते हैं एंड यू कैन कंप्लीट द रूटीन. इसके बाद मैं रेकमेंड नहीं करूंगी यूजिंग एक्टिव्स, AHA, BHA, रेटिनॉल, एजलिक एसिड, कोजिक एसिड, डी मेलन, कुछ नहीं लगाना है. इसके बाद आप सिर्फ हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स यूज करेंगे. मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा अलग है, मैं अपने चेहरे को पहले हल्का सा मिस्ट कर लेती हूँ. स्प्रे बॉट में सिर्फ पानी है. इसके बाद मैं अपने चेहरे पे लगाती हूँ एक शीट मास्क. शीट मास्क का स्टेप कंप्लीटली ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई एम गोना डू इट. आई एम गोना पुट ऑन अ शीट मास्क फॉर अबाउट 10-15 मिनट्स और उसके बाद मैं अपना स्किन केयर रूटीन कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी. जैसे कि मैंने कहा, शीट मास्क इज एन ऑप्शनल स्टेप जो मैंने किया है. इसके बाद टुनाइट, जैसे कि मैंने कहा, नो एक्टिव्स, नो रेटिनॉल, नो नथिंग, सिर्फ हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स. नाउ जब हम माइक्रो नीडलिंग क्लिनिक में कराते हैं विद अ डॉक्टर, वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ पेप्टाइड दैट दे यूज फॉर स्किन रिजुविनेशन इज कॉल्ड EGF, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, जो मिलता है ऑलियोपेप्टाइड में. और अगर आपके पास है मिनिमलिस्ट का मल्टीपेप्टाइड सेरम, देन यू आर वेरी लकी, क्योंकि आपके मल्टीपेप्टाइड सेरम में ऑलियोपेप्टाइड है. मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या लगाऊंगी, मेरा चेहरा ऑलरेडी डैम्प है. सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपना मेट्रिक्सल 10% इन एचए, क्योंकि ओके आई ऑलमोस्ट थॉट खत्म हो गया, हमारे पास एक्स्ट्रा भी है. सो इससे मुझे हाइलुरोनिक एसिड भी मिलेगा, मुझे अपना मेट्रिक्सल भी मिल रहा है. सो आई एम गोना अप्लाई दिस फर्स्ट अंडर माय आईज एज वेल. As you can see, मेरा चेहरा थोड़ा रेड है. उसके बाद before I use another peptide, क्योंकि मेरे पास EGF नहीं है, I'm going to use another peptide. I am just going to fan my face a little, क्योंकि एक साथ दो दो गीले गीले products लगाएंगे तो फिर मिशी मिशी मैशी अजीब सा हो जाता है स्किन. Just 2 seconds fan किया. अब मेरे पास है ये Revolution Skin Care का EGF serum. आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, Multipeptide Matrixyl is enough. But क्योंकि मेरे पास ये है, I'm gonna use it. This is the best way of using the EGF. I have just used my peptide serum. इसके बाद मैं अपने चेहरे पे अगर चाहूँ तो स्नेल म्यूसिन एसेंस लगा सकती हूँ. येस, अनदर वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट दैट यू कैन यूज इज स्नेल म्यूसिन एसेंस. मैं नहीं लगा रही बिकॉज आई यूज टू पेप्टाइड, जितना हाइड्रेशन जो जो मिलना था स्किन को मिल गया है. इफ यू हैव द स्नेल म्यूसिन, फैबुलस ऑप्शन. इसके बाद लगाएं अपना आई क्रीम, आई सेरम, फेस क्रीम एंड कंप्लीट योर रूटीन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आई नीड टू टेल यू अबाउट डे टू. नेक्स्ट डे सुबह मोस्टली आपका चेहरा रिकवर हो जाएगा. अगर आपके चेहरे पे अभी भी थोड़ी सेंसिटिविटी है तो नेक्स्ट डे सुबह अपना नायसिनामाइड विटामिन सी स्किप करें, अपना सिर्फ क्रीम एंड सनस्क्रीन लगाएं और अगले रात को भी वेट करें टू सी हाउ योर स्किन इज रिस्पॉन्डिंग. अगले रात तक स्किन परफेक्टली नॉर्मल है, देन यू कैन स्विच बैक टू वट एवर इज योर रूटीन, रेटिनॉल, एजलिक एसिड, डी मेलन, वट एवर जो भी आपके रेटिनॉल, जो भी आपके नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में है, 24 घंटे बाद यानी अगली रात को आप स्विच कर सकते हैं. सुबह यू कैन यूज योर विटामिन सी एंड नायसिनामाइड, बट जस्ट सी अगर स्किन पे रेडनेस है, सेंसिटिविटी है तो मत यूज करें, सिर्फ सनस्क्रीन एंड क्रीम को लगाएं. दिस इज अ सुपर सुपर सिंपल थिंग टू डू, लेकिन एज आई सेड यू हैव टू बी सुपर डिसिप्लिंड. यू हैव टू बी डिसिप्लिंड ऑन द सैनिटाइजेशन प्रोसेस ऑफ योर डर्मा रोलर. डर्मा रोलर को आपको कितनी जल्दी यू नो टर्न आउट करना है, फेंकना है, यू हैव टू रिप्लेस द थिंग, दैट इज ऑल्सो समथिंग यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू नीड टू नो योर स्किन टू डू दिस, आपकी स्किन इसे टॉलरेट कर सकती है या नहीं कर सकती. इसे आप धीरे धीरे अपने रूटीन में ब्लेंड यूज करें,
हफ्ते में एक बार, हफ्ते में दो बार, एंड दिस कैन रियली रियली बूस्ट द नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन ऑन योर स्किन. वीडियो पसंद आए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.